तीसरी बार आग कब लगी? जब जाफरे सादक अपने घर में औलाद के साथ रह रहे थे, इब्ने जैद मलाउन ने सिपाहियों को साथ लेके जाफरे सादक की हवेली को आग लगा दी। दुआ किया करो रात के वक्त किसी शरीफ के घर को आग ना लगे। इधर इमाम की हवेली को आग लगी, इमाम की तीन बेटियां तड़प के उठी, वहां गई जहां तेरा सातवां इमाम था, रो के कहती कासम जाग, हमारे घर को आग लग गई है। इमाम ने अपने सर से अमामा उतारा, इमाम ने कपड़े से आग को बुझाना शुरू किया, इमाम के अमामे को आग लगी। मूसा काजम की छोटी बहन ने इमाम के कुर्ते पे हाथ डाला, रो कदी काजम तेरे अमामे को आग लग गई है। काजम ने बहन को सीने से लगाया, रो के कहते हो कुर्बान जाओ तुझे भाई का चलता हुआ अमामा बर्दाश्त नहीं हुआ। हाय गुर्बत मेरे दादे सजाद की, जिसके सामने आके सकीना ने कहा सजाद मेरे कुर्ते को आग लग गई, ओए मुझे बता मैं जल के मरूं। जाफरे सादक का जनाजा, बतूल के बेटे का जनाजा, बगदाद के कैदी के गरीब बाप का।